नमस्कार आदाब दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया बवाल देखने को मिला है। यहां पर समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा सीट के कैंडिडेट बर्क जिया ने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एक समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, वोटिंग से पहले चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बर्क जिया के पूरे बयान को आगे हम आपको सुनाएंगे, साथ ही साथ सत्यपाल मलिक जी का भी बयान सामने आया है, जो कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। उन्होंने मोदी सरकार को लेकर के और खास करके इस बार के चुनाव में वोटिंग से पहले एक मैसेज देश की जनता को देने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक जी ने, उनके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग और खास करके सत्ताधारी पार्टी के लोगों के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ये लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे कई मामले आपको देखने को भी मिले होंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरे चरण की वोटिंग से पहले संभल लोकसभा सीट पर भी अब इसी तरीके का मामला देखने को मिला है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता जिया बर्क ने आरोप लगाया है कि एक समुदाय के लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और यहां पर चुनाव वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। बर्क जिया का क्या कहना है, उनका खुद बयान आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। डीएम और एसपी से मिले हैं, क्या मामला है? देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में ले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई एनसीआर नहीं है, उन कोई अगर होटल पर बैठ कर चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है, पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पर। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पर लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नखासा है, थाना असमोली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कोतवाली संभल है, करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी जी, और चंदोसी थाना है, कुर थाना है, करीब ऐसे 400 के करीब आदमी को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है, केला देवी में क्या है, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और एनसीआर भी नहीं है, तो ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के नाते हमारे पर कार्रवाई हुई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और हम इसके सारे, मैं और मेरे सारे सीनियर माननीय विधायक मंत्री साहब सब हम लोग और माननीय जिलाध्यक्ष सब लोग हम आए हैं, हमने ये कहा है कि हम जो है चुनाव के लिए, जब चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान ज़्यादा हो तो आप लोग कौन होते हैं कि हमारे मतदाताओं को रोकने के लिए, लेकिन मतदाता वोटर्स को रोकने के लिए उनके दिल के अंदर डर और भय पैदा करने के लिए इस टाइप की कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। उन्होंने अभी फिलहाल आगे के लिए तो कहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे, हमें ऐसी आशंका है कि ये अभी आगे को भी इस टाइप की कोई कार्रवाई कर सकते हैं या चुनाव वाले दिन हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे एजेंट को या हमारे वोटर्स को रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से तत्काल तौर पर मैं मांग करता हूँ यहाँ पर एक अलग से जो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाए, जो कि इसमें ये सुनिश्चित करें कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो, जो संविधान के जरिए हमारे हर वोटर्स को वोट देने का अधिकार है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुन लिया है, अब आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के संभल के लोकसभा सीट के चुनाव मैदान में उतरे बर्क जिया ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन किस तरीके से अपनी दादागिरी दिखा रहा है और एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पर देखना यह होगा कि चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कई राज्यों के अंदर राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जी का एक और बड़ा बयान आया। उन्होंने इस बार के चुनाव में वोट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किन मुद्दों को देकर करना है, इसके लिए एक और जनता को मैसेज दिया है। क्या उनका कहना है, उनका भी बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं।
जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ। और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियां भी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, ये सत्यपाल मलिक जी का बयान है जो कई राज्यों के जो है राज्यपाल रह चुके हैं, उनका सीधे तौर पर जनता को ये मैसेज है कि इस बार सोच समझकर वोट करिएगा, वरना आपकी एक गलती इस बार की बहुत बड़ा खामियाजा इसको आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।